गर्मी के टाइम पे अक्सर ये देखने को मिलते हैं कि 6 महीने के छोटे उम्र के बच्चे को मम्मी या केयर टेकर दूध के जगह पानी पिला देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है और ये क्यों गलत है अगले 3 पॉइंट से समझेंगे। नंबर 1, मदर के मिल्क अगले 6 महीने के लिए बच्चे के लिए सफिशियंट होते हैं। इसमें लगभग 90% पानी रहता है जो कि बच्चे के हाइड्रेशन के लिए सफिशियंट होते हैं। बाहर से पानी या फ्रूट जूस के आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। नंबर 2, न्यूट्रिशनल वैल्यू। दूध में लैक्टोज नाम के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि काफी हद तक कैलोरी प्रोवाइड करते हैं और कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। ये सारे बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूध के जगह पानी देने पर बच्चे के ग्रोथ हैम्पर हो सकते हैं। नंबर 3, इम्यून सिस्टम। दूध में एंटीबॉडीज और काफी अलग किस्म का प्रोटीन्स रहते हैं जो कि बच्चे के इम्यून सिस्टम के लिए फाइट करते हैं और कीटाणुओं से इन्फेक्शन से लड़ते हैं। सिर्फ पानी देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जिसके वजह से बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को 6 महीने तक दूध ही देना चाहिए और इसके सिवा पानी की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है।